সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফোর্স 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। আমরা সত্যি কথা বলছি, বাদরামি করবেন না, 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে, তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। हमारे धर्म को भी सियासत में इस्तेमाल करते, रामचंद्र रघुवंशी घोष लिया जी इन्होंने, वो हमारा घोष क्या नहीं रहेंगे, किरा लगा दिया, मैं थारी रोटी आती अब आए और सारे तो भारी चल दिए, हमारे सारी चल दी, हम दिन का हंगामारी करके फिर खोज लेंगे, अपने तो है, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट, और दे अच्छा बता, दे तो दे, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते थे तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते थे। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड परैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। ये सब जेल के पीछे होंगे, जैसे ही इंडिया गठबंधन जीतेगा ये सब सबसे पहले भाजपा जेल के अंदर होंगे। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूँ फिर से कभी नहीं होगा। उद्योग 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 पकड़ मारक होंगे बजे मारक होंगे नाचिके आगबेकु। इन्नु अवर यार विद्यार्थिगळु युवकरु मोदी मोदी अंद्रे अवरिगे कपड़ कोडिबो। हमने तो एक ही काम किया है पिछले ढाई साल तीन साल से, जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें गाली गलौज या झूठ बोला है या भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, हमने सबको लाइक किया है और सबकी सूची बनाई है। जो काम ये आज कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद समाजवादी लोग भी उसी तरीके से उनको इंटरेस्ट के साथ वापस। डिसीजन of revoking article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely I would say sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. তোমরা ভোটটা দেওয়ার সময় বিজেপি কে দিচ্ছ মাসি, তোমরা যখন ভোট দেওয়ার সময় তখন বড় ভুলে দিচ্ছ, আর চাওয়ার বেলায় বলছো ছোট ভুলকে দাও। এবার আমি একদম ক্লিয়ার কাট বলছি, যাতে মিডিয়া থাক যে থাক থাক, আই ডোন্ট কেয়ার। যদি এবার এখান থেকে যদি দেখি যে তৃণমূল লিড পাইনি, তাহলে সত্যি মাসি আমি তোমাদের কেন আমরা কেউ আর অভিযোগ শুনতে আসি। দেখি নয় সংসদ ভবন কো লেকর কংগ্রেস মহাসচিব জয়রাম রমেশ নে বড়া বয়ান দিয়া হ্যায়। আপকো বতা দে, জয়রাম নে নয় সংসদ ভবন কো মল আর হোটেল বতায়া হ্যায়। উনহোনে লিখা হ্যায় কি 2024 মে সরকার বদলনে কে বাদ ইসকে বেহতর ইস্তেমাল কা তরিকা ঢুন্ডা জায়েগা। হামারি মসজিদ কো তোড়কর মন্দির বানা দিয়া গয়া, উস ওয়াক্ত মে হো সকতা হ্যায় কোই মুসলিম শাসক হো, কোই মুসলিম জজ হো, ইয়া মুসলিম শাসন আ জায়ে, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। हमारे नौजवान सर खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए।